तो हाय फ्रेंड्स, आज है 29 जुलाई। तो आज का ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ। वेदर देख आपको लग नहीं रहा होगा कि ज़्यादा जल्दी है, लेकिन अभी लिटरली सुबह का 5:30 भी नहीं बजे है। ओके, हाँ सुबह इतना स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, मतलब क्या है ना, हम लोग का बिल्डिंग में हम लोग के इस वाला बिल्डिंग ने और एक जो बिल्डिंग है तो वहाँ पे एक फैमिली रहती। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, मतलब उनका जो फादर है तो मालेगांव चराली मतलब हमारे गुवाहाटी पे, वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो दो लड़की है उनका, तो क्या है ना, तो उसका मम्मी हॉस्पिटल पे ही है और दो लड़की घर में है। तो इसलिए हमको कल रात को फ़ोन किया था। रात को मतलब क्या, 2 बजे, हाँ 2 बजे, अराउंड 2 बजे मुझे फ़ोन करके बोला कि सुबह थोड़ा सा तुम मुझे हॉस्पिटल पे ड्रॉप करते ना। तो इसलिए अभी पापा और मैं वो दोनों को कार कार करके हॉस्पिटल पे ड्रॉप करके फिर हम लोग आ जाएंगे। तो इसी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा ही सुबह उठ गया इसलिए। ठीक है, तो वैसे व्यू वगैरह नहीं दिखाऊँ क्योंकि एक वो रहता है ना, मतलब हॉस्पिटल पे जा रहे, इसी वजह से मैं कैमरा वगैरह कार पे सेट नहीं करूँगा। ठीक है, वहाँ पे जाके थोड़ा सा अगर मैं दिखा सकता हॉस्पिटल वगैरह तो दिखाऊँगा। तो चलो अभी कार पे चलते और उसको ड्रॉप करके आते। चलो गाइस चलते हैं। तो वो भी बोला मुझे फ़ोन करके, वो भी रेडी हो गई है और पापा भी आ रहे। तो आज सुबह का टाइम है ना, इसलिए मम्मी थोड़ा चाय वगैरह बना के दे रहे हैं, ऐसा टाइम रहेगा। तो मैं जाता हूँ, गाड़ी वगैरह साफ़ करता हूँ, उसके बाद पापा आएंगे और उसको भी लेके चलेंगे। ठीक है, चलो घर आके मिलता हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा क्लिप दिखाएंगे। तो गाइस मैं एट लास्ट यहाँ पे आ गया हूँ। तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया है, तो पापा गया है वो चाय वगैरह देने के लिए। ठीक है, तो इस हॉस्पिटल का नाम संजीवनी हॉस्पिटल है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर लोग गुवाहाटी से हो तो उन लोग को पता होगा, संजीवनी हॉस्पिटल बोलते हैं इसको। तो थोड़ा सा एक व्यू दे देता हूँ, ये तो वैसे पार्किंग का एरिया है, वो रिसेप्शन सामने मैं दिखा देता हूँ। ये वाला देख सकते हो गाइस, ये वाला पार्किंग एरिया है। मैं इधर पे मेन गेट के सामने हूँ और वहाँ पे गाइस वो वाला एंट्रेंस, ठीक है, वो वाला एंट्रेंस रिसेप्शन देख सकते हो लिखा हुआ है। पापा आएगा उसके बाद फिर घर चलते हैं। तो अभी सुबह का 8 बजने वाला है और थोड़ा देर बाद, तो मैं तो लगभग 6 अराउंड 6:30 तो घर आ ही गया था वो हॉस्पिटल पे ड्रॉप करने के बाद। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर रहा था, तो मैं कैनन 200D Mark II का रिव्यू देख रहा था जो कैमरा है। ओके, और 8 तो अभी तक बजा नहीं है। जब 8 बजे का आप लोग मेरा व्लॉग भी एंजॉय करोगे और मैं सौरभ जोशी, मेरे सौरभ जो मेरे इंस्पिरेशन है, तो मैं सौरभ भाई का भी ब्लॉग एंजॉय करूंगा और फ्लाइंग भी सर का भी, तो यार मज़ा ही आएगा उन लोग का ब्लॉग देख के एकदम। मतलब उसके हिसाब से मैं वर्क करता हूँ। ठीक है, तो यार मैं अभी वो वाला ब्लॉग आज सोचा आज वो देखूंगा जो फ्लाइंग बिस्ट सर जो सौरभ भाई के घर में आए थे, ड्रोन वगैरह पीयूष ने चलाया था। तो वो वाला ब्लॉग मुझे लगभग मैं 5-6 बार देख लिया था, तो वो देख के और भी अच्छा लगा कि ऐसे अगर मेरे भी इंस्पिरेशन मेरे घर आ जाए तो कैसा होगा। वाह, सोचता हूँ मैं सर। ठीक, चलो अभी तक नहाया भी नहीं है, अभी तक मैंने नहाना भी नहीं किया है, तो अभी सोच रहा हूँ कि अभी नहा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मैं मिलता हूँ ब्रेकफास्ट पे। ठीक है, और मम्मी वहाँ पे पूजा दे रही है, तब तक मैं नहा लेता हूँ। तो अभी गए सुबह का 8:10 AM बज चुका है, मतलब 8:10। ठीक है, तो मेरा नहाना हो चुका है कम्प्लीट और आज देख सकते हो मैंने अभी शेव भी कर लिया है, तो अभी एकदम क्लीन क्लीन लग रहा है। मतलब ना मुझे ज़्यादा बियर्ड वगैरह अच्छा भी नहीं लगता है, तो क्लीन रहने से ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो शेव भी कर लिया, एकदम फुल्ली फ्रेश हो गया हूँ। तो अभी आप लोगों को पता है कि मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, कब एक खाना देने के लिए क्या खाना यहाँ पे वो लोग खा लेंगे। कभी कभी इतना हवा देता है ना, मतलब ये 9th फ्लोर है, तो 9th फ्लोर में तो हवा देगा ही, और बहुत हवा दे रहा है। चलो घर चलते हैं, अभी ब्रेकफास्ट भी हम लोग का रेडी है, मम्मी बना दिया है ऑलरेडी, तो पूजा वगैरह भी मम्मी का हो गया है मेरा भी। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलता हूँ मैं बात भी। And I know you know all the things I'm used to.
तो अभी दोपहर का 11:30 बज चुका है, ठीक है। तो अभी थोड़ा देर पहले मेरा गेमिंग सेशन कंप्लीट हुआ है और अभी बैठूंगा मेरे एडिटिंग के काम पे। ओके, तो उसके पहले अभी ठंडा लस्सी आ गया, आप देख सकते हो। तो अभी ये पियेंगे हम लोग और उसके बाद एडिटिंग का काम पे बैठते हैं और आप लोगों से मैं लगभग दोपहर को ही मिलता हूँ। गाइज, ये कुछ दिन से ना क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। गाइज देख सकते हो, इतना हवा दे रहा है ना लिटरली भाई। ये देखो ऊपर से धूल वगैरह भाई, मुझे ग्लास बंद करना पड़ेगा अभी यार। तो गाइज देख सकते हो, अभी का वेदर ना बहुत ख़राब हो रहा है, कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ यार, डेली ऐसा हो रहा है, डेली। पता नहीं गाइज, कुछ दिन से ऐसा ही हो रखा है और अभी दोपहर का 2:10 मीन्स 2:10 PM बज चुका है और अभी ऐसा शुरू हुआ है। तो सबसे मतलब एक चीज़ अच्छा हुआ कि मम्मी उसके पहले आ गया घर, नहीं तो अभी बहुत प्रॉब्लम हो जाता ना। अभी कैसे मतलब हवा दे रहा है, ये देखो, मतलब इतना जो ये सब ट्री वगैरह है ना, मतलब ऐसे ऐसे सब कुछ हिल रहा है। देखो गाइज, आप लोग को एक झलक दिखाता हूँ, देख सकते हो गाइज, देखो कैसे हिल रहा है सब कुछ, मतलब कितना फोर्स है हवा का। गाइज देखो, गाइज वेदर देखो अभी क्या हो रखा है, पूरा बारिश गिर रहा है। गाइज देखो बारिश गिर रहा है ना, मैं सिर्फ एक झलक के लिए उस साइड जाऊंगा गाइस, ठीक है, आप लोगों को भी लेके चलूंगा। गाइस देख सकते हो, ओह भाई मेरा फोन भीग जाएगा। भाई साहब, गाइस, ओ माय गॉड, चलो वन मोर टाइम, पूरा नहा लिया गाइस, लिटरली पूरा नहा लिया। मेरा फोन वाटरप्रूफ है, मैं भूल गया था, पूरा नहा लिया। ओह भाई, फोर्स क्या है इस पानी का, ओ भाई गाइस देख सकते हो पूरा पानी, गाइस पूरा, ओह जाता हूँ भाई, भाई साहब, गाइस लिटरली पूरा, ओह जाता हूँ भाई, भाई साहब, गाइस कैसा लगा, बहुत मेहनत से गाइस मैंने शॉट लिया है गाइस, ठीक है। इस पे गाइस लाइक बनता है और 55 सब्सक्राइबर, ओ भाई क्या हो गया, 55 सब्सक्राइबर चाहिए गाइस प्लीज। यार देखो गाइस, तुम्हारा भाई आज पूरा भीग गया है। चलो मैं एक ओपी सा शॉट आप लोग को देता हूं। तो गाइस देख सकते हो, मैं अल्ट्रा वाइड में एक शॉट ले रहा हूं अभी, मैं सिर्फ एक सेकंड में आप लोग को वो वाला व्यू दिखा रहा हूं, बाहर का व्यू देखो गाइस, देख सकते हो गाइस, व्यू देख सकते हो, सब कुछ एकदम पूरा मतलब भीगा हुआ है गाइस। तो आप लोग के लिए मैं भीगा हूं, तो गाइस लाइक कर देना ब्लॉग को, मैं घर जाता हूं यार। तो अभी दोपहर का 3 बज गया है और ये सब बाहर में ये सब करने के बाद अभी मैं घर आके नहा भी लिया, अभी जस्ट नहाया हूँ, मैं फिर से नहाया हूँ क्योंकि बारिश में भीगा हूँ ना, इसी वजह से। क्लिप आप लोगों को कैसा लगा जरूर से बताना कमेंट, मुझे आज इस बार का कमेंट लिटरली पढ़ना है, कैसा लगा आप लोग को जस्ट मुझे बताना। ओके, तो अभी तक लंच नहीं किया, अभी लंच करूँगा उसके बाद आप लोग उसमें शाम को ही मिलता हूँ। वेदर बाहर में बहुत ही ख़राब हुआ लिटरली, ठीक है। चलो गाइस शाम को, गाइस अभी रात का 9:30 बज चुका है और मैं सिर्फ इसी वेट में था कि कब करंट आएगा। तो गाइस आज का वेदर इतना ख़राब है ना, तो मतलब क्या ही बोलूँ, मैं आज स्ट्रीम भी नहीं कर पाया मैं आज लाइव स्ट्रीम, तो और क्या ही बोलूँ गाइस। तो व्लॉग को भी आप एंड करना पड़ेगा आज, इतना तब मैं बारिश में जो भीगा था ना, और तब तो आप लोग को पता ही चला कैसे वेदर था हम लोग का, तो उसके हिसाब से अभी करंट वगैरह सब कुछ चला गया, सिर्फ एक ही लाइट इन्वर्टर में चल रहा है क्योंकि रात के टाइम में तो फ़ैन थोड़ा चाहिए होगा ना, तो इसी वजह से, और मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। तो नहीं तो मैं अगर चाहता तो इन्वर्टर से मैं पीसी ऑन कर सकता था, लेकिन पीसी का लोड ज़्यादा होता है ना, तो इसी वजह से मैं और प्रेशर नहीं देना चाहता था, तो इसलिए आज स्ट्रीम नहीं करा, तो कल ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। और ब्लॉग को भी आज यहाँ पे एंड करते क्योंकि अभी एडिट करना पड़ेगा, अभी अपलोडिंग का लोचा है क्योंकि मैंने वाईफाई भी बंद करके रखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिशियन बोला है कि मैक्सिमम 2-3 दिन लग सकता है या 1 दिन फुल लग सकता है, तो इसी वजह से मैं वाईफाई भी बंद करके रखा हूँ, तो अभी फ़ोन के नेट से अपलोडिंग में देना पड़ेगा। तो अभी मैं इसलिए फटाक से एडिटिंग कर लेता हूँ मेरे व्लॉग का, और कल सुबह तक कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा अपलोडिंग के लिए, ठीक है। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और सबसे बड़ी बात, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, बाय।